नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के पहले आज B20 के देशों के लगभग 55 देशों के 17,000 से अधिक डेलीगेट्स को संबोधित कर रहे थे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि V20 सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, बहुत बड़ी बातें की। लेकिन प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर के तौर पर किस तरह से एक्सेप्टेड हो चुके हैं और क्या उनका प्रभाव है, किसी कंसेप्ट के परसेप्शन तक वो किस तरह से पहुंचते हैं, इसकी स्वीकार्यता अब भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो चुकी है। न सिर्फ राजनेताओं में बल्कि बिजनेस लीडर्स में, बिजनेस टाइकून्स के बीच में भी उनके विचार, उनके विजन की मान्यता स्थापित हो चुकी है। याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा प्रधानमंत्री ने किया था तो उनको बॉस तक कहा गया। अब उनकी स्वीकार्यता इस स्तर पर पहुंच चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप वीके न्यूज पर ये जो तस्वीरें चल रही हैं इनको देखें। वीके न्यूज वो जानकारी आपको दे रहा है जो V20 सम्मेलन के दौरान घटित हो रही थी और जिस पर किसी की नजर नहीं गई। लेकिन हमारे संपादकीय दृष्टिकोण में ये जो कुछ भी आप अपनी तस्वीरों पर देख रहे हैं, अपने स्क्रीन पर, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से विभिन्न देशों के जितने भी डेलीगेट्स थे, जितने भी प्रतिनिधि थे, और वो बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनका संबंध बिजनेस से है, वो बिजनेस टाइकॉन्स हैं और प्रधानमंत्री की बातों को बहुत गौर से सुन रहे हैं और उनको अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। सबका कैमरा और सबके मोबाइल मोदी की तरफ है और वो फ्लैश कर रहे हैं उनकी बातों को, उनके कहे हुए सारे मुद्दों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इसके मायने आप समझें, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में न सिर्फ भारत के विकास की तस्वीर रखती है, न सिर्फ भारत के विकास की एक रूपरेखा बताती है, बल्कि उसके माध्यम से दुनिया के आर्थिक आयाम किस तरह से तय हो सकते हैं और उसका विस्तार किस तरह से हो सकता है, उन बातों में वो निहित होता है। V20 के सम्मेलन में 55 देशों के 17,000 प्रतिनिधि प्रधानमंत्री की बातों को जब सुन रहे थे और उसे सुनते हुए जब वो अपने मोबाइल में उनके कहे गए बातों के उस चंक्स को कैद कर रहे थे, तो इसके मायने सिर्फ यही है कि जब वो अपने देश में जाएंगे तो वो बता सकते हैं ये वही भारत देश का प्रधानमंत्री है जिसका एक्सेप्टेंस, जिसकी स्वीकार्यता पूरी दुनिया में है। और ये जो संदेश जाएगा उससे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री एक बड़े लीडर के तौर पर तो स्थापित होंगे ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की जो राह बना रहा है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, उसको भी स्वीकार्यता और उसको भी मान्यता मिलेगी और इससे भारत दुनिया की नज़र में एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करने वाला देश माना जाएगा, एस्टैब्लिश होगा। G20 के पहले B20 के इस सम्मेलन संबोधन में जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा उसके मायने और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सब कुछ आपने सुना। लेकिन जिस तरीके से ये बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स प्रधानमंत्री को सुनने और उनकी बातों को अपने मोबाइल में कैद करने की प्रक्रिया जारी रख रहे हैं, इससे साफ नजर आता है कि G20 सम्मेलन आते आते पूरी दुनिया में भारत के बिजनेस और भारत की आर्थिक रफ्तार के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसके प्रति जो नया आयाम है, वो पूरी दुनिया में स्थापित हो जाएगा। इसलिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसके बड़े मायने हैं और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन में जब राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करेंगे और भारत का पक्ष रखेंगे तो क्या कुछ वसुधैव कुटुंबकम के तहत देश की और पूरी दुनिया के आर्थिक विकास की रूपरेखा होगी, वो उस पर प्रकाश डालेंगे और पूरी दुनिया उस पर सहमत होती हुई दिखेगी। विश्व गुरु की राह में बढ़ते भारत के कदम, प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता और पूरी दुनिया के बिजनेस करने वालों की नज़र में भारत की ताकत अब पूरी दुनिया में एक बड़े संदेश के रूप में देखी जा सकती है, जिसकी तक तस्दीक ये
तस्वीरें कर रही हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। आप हमारे इस बात से कहां तक सहमत हैं, अपना जवाब हम तक पहुंचाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। VK News, राष्ट्र के नाम।